असला एवरी वन एज यूजल माम प्रॉपर वीडियो फिर बनेगी लेकिन आई हैड टू मेक दिस वीडियो बिकॉज आई हैड टू टॉक अबाउट सॉरी इधर नहीं इधर देखना है आई हैड टू टॉक अबाउट लापता एंड द फनाली वॉट जस्ट हैपन देर आई नो कि आप सब लोगों ने देख लिया अगर आपने नहीं देखा है लापता का फिनैली तो आपकी वीडियो छोड़ दीजिए जाइए फिनाली देखिए और वापस आइए क्योंकि इसमें स्पॉयलर्स हैं और सबसे बड़ा स्पॉयलर तो ये कि द वफेस जस्ट हैपेंड एक तो ये कि बहुत जल्दी खत्म कर दिया शो मेरे ख्याल से कोई कोविड का मसला हुआ है या इनके जो भी क्रिएटिव डिफ्रेंस हुए हैं आई एम वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड Cake, इतना अच्छा शो इन्होंने इतने हैज़र्ड तरीके से खत्म कर दिया उसका कोई सर पैर नहीं है उसकी कोई यू um, नो you know, कोई जिस तरह उन्होंने बाकी सारी चीज़ों की लॉजिकल चीज़ें दिखाई हैं लॉजिकल कंक्लूजन दिखाए हैं लॉजिकल वेज दिखाएं जिस तरह एंड हुआ है तो एक सॉर्ट ऑफ कुछ चीज़ें बहुत अच्छी थी कुछ चीज़ें बहुत मजे की थी जिस तरह स्पेशली गीती का किरदार जिस तरह एंड हुआ है वो बहुत अच्छे तरीके से बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से उन्होंने एंड किया है लेकिन आई एम सॉरी एवरीथिंग एल्स इन दैट शो वॉज अ ट्रेन रैक एंड इट वॉज सो प्रिडिक्टेबल एंड सो क्लीशेड एंड इट सो सैड बिकॉज इट हैड ग्रेट कास्ट दे वर ऑल डूइंग सच अ फैटेस्टिक जॉब इट वॉज अदरवाइज सच अ वेल रिटन शो सो आई एम अ लिटिल लाइक um सरप्राइज राइट नाउ दैट वॉट इज हैपेंड वाई वॉज इन द शो Uh, given the due, I feel like it lost its due. It wasn't given the due. I don't know what happened. Uh, could be creative differences. Could be other differences between um, the writer-producer and the channel or whatever. I don't know. Maybe it was COVID. Maybe it was the actors. I really don't have a clue. But as a viewer, I feel very disappointed. Uh, as a critic, I feel very disappointed. As a as a, as a lover of Pakistani dramas, I feel very uh, surprised and slightly Actually, quite disappointed. Slightly is not a very नो इट्स नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड स्ट्रॉन्ग इनफ वर्ड आई थिंक के uh, जब ड्रामा लिखा जाता है तो uh, और जब हम जैसे ऑडियंसेज इसमें इतने इतना अरसा लगा के इन्वेस्ट होते हैं और हम जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि भाई और भी बहुत सारी चीज़ें नहीं देखते और हम कहते हैं कि नहीं अगर हमारे पास एक घंटा है तो हम इसको देंगे या इस पे देख लेंगे तो हम आपको बहुत इंपॉर्टेंस uh, दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास जिस कंपटीशन में आप लोग कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं ना उसमें हमारे पास बहुत ऑप्शंस हैं सो इफ आई एम गिविंग यू दैट टाइम एंड आई एम गिविंग यू दैट इन्वेस्टमेंट ऑफ माई टाइम एंड माई एनर्जी एंड माई इमोशन देन प्लीज पे इट बैक अदरवाइज आई एम जस्ट गुट बी सो सो एंग्री एंड आई फील एंग्री एंड आई फील रियली स्ट्रेंज एंड आई आई डोंट इवन नो वॉट द सिचुएशन वन दम अगर, अगर किसी ने सिर्फ मेरी रैंट के बाद अगर नो बडीज इवन बॉर्डर्ड टू वॉच द शो तो मैं बताती चलूँ कि शो के अंदर बड़ा ही नीट सा टाइप हो गया एंड टाइम पे आके सही बंदे ने सही गवाही दे दी है रियल लाइफ में तो ऐसा नहीं होता बेचारे कई लोग कई कई साल जो हैं वो पड़े रहते हैं जेल में एंड आई वाज काइंड ऑफ एक्सपेक्टिंग समथिंग लाइक दैट इस तरह का मैं कोई ट्विस्ट एक्सपेक्ट कर रही थी कि सालों गुजर जाते हैं इस तरह की एक और ड्रामा भी बीच में ख़त्म हुआ है पहली सी मोहब्बत उसमें भी बड़ा स्ट्रेन सा मुझे लगा एंड मुझे समझ में नहीं आया कि ये इसको कैसे टाइप किया है मे बी उन राइटर और उनके दिमाग में कुछ और था जो कि मुझे नहीं समझ आया इसी तरह खुदा और मोहब्बत भी जिस ट्रैक पर जा रहा है वो भी मुझे नहीं समझ में आ रहा सो so, मुझे अजीब सा ये लगता है कि बहुत सारे ड्रामे हम देख रहे होते हैं और उनमें इन्वेस्टेड होते होते हैं। हैं बहुत कम ड्रामे ऐसे होते हैं जो पिकअप करते हैं अपने उसको पेस को और उस पेस के साथ रन करते हैं और रन करते, -करते उनकी जो स्पेस है, वो स्ट्रांग रहती है आई अरसे में कोई ऐसा ड्रामा ऐसा हुआ हो जिसने रखी हो मे बी बिकॉज अब वो जमाना गुजर गया कि 40 -40 -50 -50 -50 मिनट के जो हैं जैसे सेकेंड का टेंशन स्पैन नहीं होता गालिबन ये है रिसेंट स्टडीज के अगर आपके पास फर्स्ट फाइव टेन सेकेंड्स में इफ यू डोंट इफ यू नॉट डों वॉट समथिंग यू जस्ट गन स्वाइप सो आई थिंक दैट आर ड्रामाज आर स्टिल बींग मेड फॉर टेलीविजन विच आई थिंक दैट नीड्स टू चेंज अ लिटल डिजिटल ऑडियंसिस के लिए या तो ट्विक करें या डिफरेंट कॉन्टेंट बनाएं आई डो नो क्या होगा बट एनी वे लापता वॉज अ बिग डिसअमेंट्स अदर टीवी शोज फॉर द टाइम बिंग आई एम होपिंग के सम अदर टीवी शोजॉइंग टू लुक आप नए शोज जो आ रहे हैं जिसमें दोबारा है सिनफे आश्किला है अगेन थोड़ी सी टिपिकल प्लॉट लाइन्स तो दिख रही है लेकिन फिर भी दे सीम प्रोमिसिंग इन द ओन वे सो लुकिंग फॉर्ड टू दो ड्रामाज एंड वेरी सैड एंड वेरी डिस अपॉइंटेड विद लापताज रिस एपिसोड आई रियली होप के आगे जाके हम अच्छे ड्रामों के साथ इस तरह की बदसलूकी नहीं करेंगे बट वंस अगेन प्रॉप्स टू वट डिड कम आवर वे लेट्स नॉट कम्पलीटली ट्रैश दैट एफर्ट्स जो भी इक्कीस एपिसोड बाईस एपिसोड जितनी भी थी उसमें हमारे पास आया वॉज रियली गुड मिर्जा गोहर रशीद वॉज अमेजिंग देन यू हैव सारा खान यू हैव अली रहमान खान सपोर्टिंग कास्ट भी बहुत ज़बरदस्त थी अपार्ट फ्राम द स्मॉलर सपोर्टिंग कास्ट दैट वॉज एंड वेरी इम्प्रेसिव बट या आई थिंक दैट इट वॉज अ गुड शो ओवरऑल बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आया बट आई थिंक कि आप लोग उसको दोबारा देखें या मॉडर्न सीन्स uh, जो चल रहे हैं या दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसके कॉन्टेक्स में देखें तो आपको समझ में आएगा uh, वैसे भी आई थिंक एक हमारी बाईफरकेशन हो गई है ऑडियंस की एक हमारी बिल्कुल ही ड्रामे वाली ऑडियंस है और एक हमारी बिल्कुल ही डिजिटल ऑडियंस है तो हम जो बीच के वाले हम लोग जो लोग हैं ना जो कि हम डिजिटल भी कंज्यूम कर रहे हैं और हम टी वी भी कंज्यूम कर रहे हैं और में नहीं पता कि हमारे लिए कॉन्टेंट कहाँ से आ, आएगा तो आई थिंक दैट माइट बी एन इंटरेस्टिंग स्पिन टू इट सो लेट मी नो चू गाइज थॉट बताएगा आई बी आई बी होपफुली डूइंग मोर रिव्यूज नो डेफिनेटली आई बी डूइंग मोर रिव्यूज थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अपना ख्याल रखिये खुदाफिज